दूसरे का ज्ञान आपके किसी काम का नहीं। मित्रों, संसार भर में ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन ज्ञान को लेकर भारत की अवधारणा दुनिया के दूसरे देशों से अलग है। भारत में भौतिक ज्ञान को महत्व तो दिया गया है, लेकिन सबसे ऊंचा आत्मज्ञान को ही माना गया है। किसी व्यक्ति को किसी भी विषय का कितना भी ज्ञान हो, लेकिन यदि उसे आत्मज्ञान नहीं है तो उसे वास्तविक अर्थों में ज्ञानी नहीं माना गया है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही मन की शांति मिलती है। आज पूरा विश्व मन की शांति के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है, लेकिन आत्मज्ञान के अभाव में वो नहीं मिल पा रही। भारत ने युगों युगों से जीवन के मर्म को समझने के लिए आत्म तत्व की खोज में जितना काम किया है, उतना काम किसी अन्य देश में नहीं हुआ। यहां आज भी अधिकतर लोग आत्मज्ञान की लालसा रखते हैं। इसके लिए वे विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं तथा ज्ञानी संतों का आश्रय ग्रहण करते हैं। ज्ञानी संत और गुरु उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी किसी को तत्वज्ञान तस्तरी में रखकर नहीं दे सकता। व्यक्ति को इसके लिए खुद ही साधना करनी पड़ती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें ज्ञान दे दे, कोई सिद्धि दे दे। इसके लिए वे अनेक साधु संतों के पास जाते हैं, मिन्नतें करते हैं, सेवा करते हैं। आजकल तो अनेक नकली साधु लोग भी मन की शांति प्रदान करने का दावा करने लगे हैं, लेकिन कोई भी सच्चा साधु ऐसा दावा नहीं करता। वो मार्गदर्शन करता है और आशीर्वाद दे सकता है। इस विषय में हमारे संत साहित्य में एक बहुत सुंदर कथा मिलती है। एक बहुत धनवान व्यक्ति था, जैसा कि आमतौर पर होता है। सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी उसके मन में शांति नहीं थी। बहुत कोशिशें करके भी उसके मन को चैन नहीं था। वो हमेशा एक अजीब सी बेचैनी अनुभव करता था। उसे किसी ने एक साधु का पता बताकर कहा कि उनसे आपको मन की शांति मिल सकती है। वो व्यक्ति उस साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने उनसे मन की शांति प्रदान करने का अनुरोध किया। साधु ने कहा कि जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, ऐसा करने से तुम्हें मन की शांति का मार्ग मिल जाएगा। साधु ने उस धनवान से कहा कि तुम धूप में बैठे रहना। साधु खुद अपनी कुटिया में चला गया। धनवान आदमी का धूप में बुरा हाल हो गया, लेकिन वो साधु के निर्देश के अनुसार चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ खाने पीने को नहीं दिया। साधु खुद दिन भर तरह तरह के पकवान खाता रहा। वो व्यक्ति चुप रहा। तीसरे दिन धनवान गुस्से में उठा और जाने लगा। साधु ने पूछा कि भाई क्या हुआ? धनवान व्यक्ति बोला कि मैं ये उम्मीद लेकर आया था कि आपसे मुझे मन की शांति प्रदान होगी, आपने तो मुझे उल्टी परेशानी ही दी। साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें मन की शांति का मार्ग बता दिया, तुमने उसे समझा ही नहीं। मैंने तुम्हें धूप में बैठा रखा और खुद कुटिया में दिन भर आराम से रहा। फिर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद खूब खाया। इसके द्वारा मैंने तुम्हें ये समझाने की कोशिश की कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। इसी तरह मन की शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से मिलेगी। इसके लिए तुम्हें ऐसे अच्छे काम करने होंगे जिससे मन की शांति मिल सके। साधु ने कहा कि गरीबों और दीन दुखियों की मदद करो, अपना धन समाज के लिए उपयोगी कार्यों पर खर्च करो, अपने धन का अभिमान न करो, मानकर चलो कि ये धन ईश्वर की देन है। ऐसा भाव रखने और ऐसे सदकर्म करना ही मन की शांति के लिए तुम्हारी साधना होगी। मन की शांति ही नहीं, कोई भी सिद्धि या ज्ञान कोई तुम्हें तस्तरी में रखकर नहीं दे सकता। साधना तो खुद ही करनी पड़ती है भाई। धनवान व्यक्ति अपने घर लौट आया। उसने साधु द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसे मन की शांति प्राप्त हो गई।
देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।